आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्ल्ड फेमस अरबियन चिकन फ्राई की सीक्रेट रेसिपी। आज से पहले शायद ये रेसिपी आपने नहीं देखा होगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप ये वीडियो को पूरा देखें, एंड में हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चले वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, शाही इंडियन किचन में आपका स्वागत है। चले तो चिकन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 3 पाव चिकन लिया है, हमने स्किन वाली चिकन ली है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप छाँस, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये फ्रेशली कूटा हुआ है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। ये सब सामान को हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढक करके पकने दे रहे हैं, तब तक हम बाकी का तैयारी कर ले रहे हैं। हमें चाहिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम, तो मैं ताज़ा ब्रेड का ब्रेड क्रम बनाऊंगी। तो इस तरीके से इसे मैं तोड़ ले रही हूँ और तोड़ करके इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये हमने एक बोल लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 अंडा। अंडा को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडा को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और इसे भी फेंट लेंगे। देख लेते हैं चिकन। चिकन हमारा 90% पक गया है, हमें 90% ही पकाना है चिकन को। ये हमने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये सब सामान को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम एक चिकन का पीस लेंगे और मैदा में इस तरीके से लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा जो लग गया है इस तरीके से हम झाड़ लेंगे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसमें हम डिप करेंगे इसे, ये पूरा अच्छी तरीके से डिप कर ले। और ये जो हमने ताज़ा ताज़ा ब्रेड क्रम बनाया है इससे हम इसे कोट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। इधर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हमें मीडियम गरम तेल की ज़रूरत है। इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। इसी तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। डालते ही तुरंत में इसे ना चलाएं, 1-2 मिनट रुक जाए उसके बाद चलाए। ये देखिए इसे हमने पहले डाला था, तो इसे मैं पलट ले रही हूँ। हमारी चिकन तो पकी हुई है 90%, इसे 10% ही मुझे पकाना है फ्राई करने में। ये चिकन ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनकर के तैयार होगा। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसका कलर देखिए, क्या खूबसूरत कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देख रहे कितना क्रिस्पी है, और हमने अंदर में अच्छी तरीके से इसे पकाया है तो अंदर से काफ़ी जूसी है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। आप एक बार ये चिकन फ्राई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप KFC का चिकन खाना भूल जाएंगे, ये इतना डिलीशियस बनता है। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर है हमारे चिकन का। ये देखें फ्रेंड, हमने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर है। और इसे हमने एक छन्नी में डाला था कि एक्स्ट्रा तेल जो है वो बाहर निकल जाएगा, पर इसमें ना एक्स्ट्रा तेल जो है ना कुछ निकला ही नहीं और बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं किया है। हमने इस तरीके से इसे बनाया है, ये काफ़ी क्रिस्पी करारी और बहुत ही यमी बनी है। ये देख रहे हैं ना आपका, ये देखें इसकी क्रिस्पी, आप सोच सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है और अंदर से ये कितना जूसी है। काफ़ी डिलीशियस हमारा चिकन बनकर के तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी।
क्योंकि आज तक आपने इस तरीके का चिकन फ्राई मेरे ख्याल से ट्राई नहीं किया होगा। आप एक बार ये चिकन की रेसिपी ट्राई करें, आप यकीन मानिए KFC का चिकन खाना भूल जाएंगे। ये इतना कम सामान में इतना डिलीशियस बनकर के तैयार होता है। और ये जो अंडा और दूध का घोल जो हमने बनाया था ना, हमने 2 अंडा लिया था और आधा कप दूध लिया था, तो ये इतना बच गया है। तो आप एक काम करें, 3 पाव चिकन में आप 1 अंडा ले और थोड़ा सा दूध ले। लहसुन का पाउडर बनाने के लिए आप हमें कमेंट करें तो मैं आपको लहसुन का पाउडर बनाना बता दूंगी। अगर नहीं है लहसुन का पाउडर तो ये रेसिपी में आप क्या करें, जब हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट डाला था तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लहसुन डाल दें तो आपका सेम टेस्ट देगा। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप उसे प्यार से बनाएं। चलिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अच्छी सी रेसिपी की वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। मिलती हूँ मैं आपसे एक और टेस्टी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप टेस्टी खाएं और मस्त रहें। बाय बाय।